आज आपका हमारे इस नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज़ ML 350 फॉर्मेटिक आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें काम क्या है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो आगे का दोनों हेडलाइट है फ्रेंड, वो पूरी तरह से येल्लो हो गया है। इसका जो कांच है देख सकते हैं, पूरी तरह से येल्लो हो गया है, ये पूरा धुंधला धुंधला हो गया है। तो फ्रेंड, हम इसका हेडलाइट का जो कांच है वो रिप्लेस करने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका जो हेडलाइट का जो कांच है उसको अरेंज कर लिया है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो इधर जो ये जो गैप है, इसमें स्क्रू ड्राइवर डालकर या कुछ भी डालकर इसको ऊपर की तरफ से पूरा कटाएंगे। कटा कटा के इसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसको। तो देख सकते हैं, इसको हमारे अंसारी जी कटा कटा के निकाल रहे हैं। इसका जो सीलेंट है उसको काटना पड़ेगा ब्लेड से, देखिए काट काट के निकाल रहे हैं। तो इसका कांच हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। चारों तरफ से कट गया, देखिए कटा के। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको इसको बाहर निकालना है। इसके जितने भी फ्रेंड ये साइड से सीलेंट है, सबको ब्लेड से काट कर और फिर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए हम काट काट के निकाल रहे हैं, ये देखिए छोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप काटते जाएंगे वैसे वैसे छोड़ते जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा बाहर आ रहा है कांच। ठीक है, तो चारों बाजू से हमने सीलेंट जो लगाए थे सारे ब्लेड से काट दिए हैं। अब हम इसे निकालेंगे, देखिए निकाल के, देखिए निकल रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा कांच बाहर आ रहा है। तो ये हमारा कांच बाहर निकल गया है, ये देख सकते हैं। ये हमारा हेडलाइट है फ्रेंड, इसके अंदर हमें कांच बिठाना है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये जो धारी में जितने खाचे में जितने सीलेंट भरे हैं, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जब तक साफ़ नहीं करेंगे तब तक आप इसमें नया सीलेंट भरकर इसको कांच को प्रॉपर तरीके से नहीं चिपका पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे पूरा साफ़ करेंगे, ये देख सकते हैं सीलेंट को, और साफ़ करके और उसके बाद हम इसमें नया कांच बिठाएंगे। इसके लिए हमने सीलेंट भी अरेंज किया है, ये देख सकते हैं, ये कंपनी का हमने सीलेंट लाया है। इसे कट करके गन द्वारा भर के गन से हम इसमें पूरा भरेंगे खाचे खाचे में, और उसके बाद जो नया कांच लाए हैं हम उसे प्रेस करके रात भर छोड़ देंगे सूखने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हम नया कांच दिखाते हैं। नया कांच दिखाइए, ये देख सकते हैं, ये हमारा नया कांच है इसका, जो हमने अरेंज किया है। ये हेडलाइट का कांच है, देखिए कितने प्रॉपर तरीके से पूरा पैकिंग हो गया है फ्रेंड। देखिए कितनी कोटिंग किया गया है इसको। ये हमारा दोनों हेडलाइट का है फ्रेंड, ये देख सकते हैं, एक हेडलाइट का है, ये हमारा एक हेडलाइट का वीडियो है। इसी तरह से हम दूसरा हेडलाइट का भी वीडियो कांच रिप्लेस करेंगे। देख सकते हैं ये इसका कांच है, ये देखिए नया वाला कांच है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए नया वाला कांच है इसका। ठीक है, तो हम इसे फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। अभी तो पहले फ़िलहाल हम इसका पूरा सीलेंट निकालेंगे। ठीक है, रख दीजिए। सबसे पहले तो इसका पूरा सीलेंट साफ़ करेंगे। ठीक है मेरा जी, इसका सीलेंट साफ़ करना चालू कीजिए। साइड में रख दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए।
तो ये हमारे मीरा जी देख सकते हैं इसका जो सीलेंट है उसे निकाल रहे हैं। तब तक हमारे अंसारी जी इसका जो दूसरा हेडलाइट का कांच है उसे तब तक ओपन करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका सीलेंट बहुत हार्ड है, जल्दी निकलेगा नहीं, फिर भी हम कोशिश कर करके निकालेंगे, क्या करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारे अंसारी जी तब तक उसका दूसरा हेडलाइट का कांच निकालेंगे, इसे ओपन करना चालू करेंगे। तब तक हमारे मिराज जी उसका जो सीलेंट है उसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों हेडलाइट का कांच रिप्लेस करने का है। देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम डल हो गया है। कस्टमर का कंप्लेन क्या है, नाइट में उन्हें सामने का कुछ दिखता नहीं था, इसके लिए उन्हें रिप्लेस करके देने का है। हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है, हम इनका दिल तोड़ना नहीं चाहते, इसके लिए हमने ये रिस्क उठाया है इसका हेडलाइट का कांच रिप्लेस करने का। देख सकते हैं दोनों हेडलाइट का हमारा काम चालू है, हमारे मिराज जी उसे साफ कर रहे हैं और अंसारी जी उसे बाहर निकाल रहे हैं। देख सकते हैं हमारा दूसरा हेडलाइट का भी कांच जो है बाहर आ रहा है। आराम से इसका गम फ्रेंड बहुत हार्ड है, जल्दी से निकलता नहीं है, ब्लेड से काट काट के निकाला गया है। देख सकते हैं हमारे दूसरे हेडलाइट का कांच है, ठीक है। तब इसका भी हम सीलेंट जो है इसे निकालना चालू करेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे सीलेंट भरे पड़े हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। क्या है फ्रेंड, अगर इसका सीलेंट हम प्रॉपर से नहीं निकालेंगे ना तो हमारा कांच प्रॉपर नहीं बैठेगा, इसके लिए पूरा हमें साफ़ करना पड़ेगा। तब देखते कितने घंटे में साफ़ होता है, फिर साफ़ करने के बाद जब साफ़ हो जाएगा तब हम आपको इसको फिटिंग करके दिखाएंगे। चलिए साफ़ कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेडलाइट का जो कांच है, तो फ्रेंड ये नया वाला कांच है, देख सकते हैं। तो सिर्फ इसमें ना एक कांच ही आया है, ये जो कवर दिया है जो हेडलाइट का बल्ब का जो भी ये कवर आता है ये इसमें नहीं है। तो इसमें ये कवर खोल के हमको इसमें फिट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसके अंदर 5 स्क्रू है, यहाँ पर एक दिया है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 हमें T50 के एलंकी से 5 स्क्रू खोल के हमें कवर ओपन करना पड़ेगा और इसमें से वो कांच में फिट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने इसे ओपन कर दिया है, तो हम इसको इस नए कांच में फिट करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद आपको फिट करके दिखाते हैं। तो ये फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा पूरी प्रॉपर तरीके से अंदर बैठ चुका है, सारे स्क्रू के होल दिख रहे हैं। हम अब इसमें स्क्रू एक एक लगाना चालू करेंगे। फ्रेंड ये हमारा कवर भी जो इसमें हमने बिठा कर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको हेडलाइट में फिटिंग करने की आपको दिखाएंगे। इसी तरह आप लोग भी ओपन और फिटिंग कर सकते हैं जिस तरह हमने आपको बताया है। ये देख सकते हैं अब इसका शाइनिंग देखिए,
देखिए फ्रेंड किस तरह से लाइट मार रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे हेडलाइट के कवर में भी इसको फिट करेंगे, जिस तरह से हमने इसको फिट किया है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, एक साइड का हमने कंप्लीट करके रख दिया है, ठीक है। अब दूसरे साइड के कांच में हमने कवर फिट कर रहे हैं। फाइनली ये देख सकते हैं दोनों हमारा जो कांच का कवर का ये था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें भी बिठा दिया है, इसमें भी बिठा दिया है। तो हमारा एक साइड का जो हेडलाइट है उसका सीलन पूरी तरह से साफ हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं दूसरे साइड का भी कंप्लीट हो रहा है साफ करने का। तो आपको हम एक हेडलाइट में एक कांच जो है फिटिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। फ्रेंड देख सकते हैं ये कंपनी का हम सीलेंट इसमें यूज़ करने वाले हैं। हमने इसमें होल कर दिया है, अब इसको हम गन द्वारा भरेंगे, आपको दिखाते हैं। इसमें टाइट कर लिया है, ये हमारे पास गन है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये सीलेंट को हम इस गन द्वारा गन में पूरा बिठा देंगे, देख सकते हैं। ये पूरी तरह से अंदर ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर हमारा कैप है, ठीक है। कैप को हमने टाइट कर दिया, अब इसे हम पंप करेंगे। इस तरह से पंप करेंगे, हमारा सीलेंट यहाँ जाने लगेगा। तो ये हमारा हेडलाइट है, ठीक है। एक साइड का हमारा साफ होके कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये हमने पूरी तरीके से साफ कर दिया है, देख सकते हैं। पूरा हमारा गाला साफ हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो नया सीलेंट लाया है उसे भरेंगे। अब भर कर फिर इसमें कांच बिठा कर आपको दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले तो आपको सीलेंट दिखाते हैं। मेरा जी सीलेंट दीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हम इसमें सीलेंट भर रहे हैं। अब इसी प्रकार से पूरा गाले में हम सीलेंट भर लेंगे और भरने के बाद फिर कांच लगाकर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड इसमें ज़्यादा सीलेंट की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का आप सीलेंट भर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए हम भर रहे हैं हल्का हल्का, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये देख सकते हैं, फाइनली हमने जितने भी खांचे थे सारे खांचे में सीलेंट भर दिया है। अब हम इस कांच को लगाएंगे।
देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें पूरी लॉकिंग सिस्टम दिए है। ये देखिए इसका, ये बिठा कर आप इधर लॉक कर दीजिए। एक लॉक यहाँ पे है, ये दूसरा लॉक है, ये हम आपको सारे लॉक दिखाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा तीसरा लॉक है, ये भी बैठ चुका है। ये हमारा चौथा लॉक है, ठीक है फ्रेंड। इस कांच फिट करने के बाद यहाँ पे इसके लिए एक स्क्रू दिया है जो हम फिट करेंगे। ये आप स्क्रू ओपन करेंगे तो ही आपका कांच बाहर आएगा। तो सबसे पहले सर स्क्रू खोल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने स्क्रू भी ये टाइट कर दिया है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रू ओपन कर लीजिएगा, फिर आप जैसे ब्लेड से इसको काटेंगे चारों तरफ से, तब जाके आपका कांच बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक हेडलाइट जो है, देख सकते हैं असेंबली हो चुका है, ये देख सकते हैं चारों साइड से। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा भी हेडलाइट असेंबली करेंगे। ये हमारा हेडलाइट फिट हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि जो ये स्क्रू है वो ये कांच में कहाँ पे फिट होता है। हमने स्क्रू क्यों टाइट किया, देख सकते हैं ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्क्रू टाइट होगा। ठीक है, तो आप जब कांच बिठा लीजिएगा तो कांच खोलने से पहले ये स्क्रू ओपन कर लीजिएगा, तो ये आपका एक कांच बाहर आएगा, नहीं तो आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रू पे गौर कीजिएगा। ठीक है, ये जो है ओपन कर लीजिएगा तो ये आपका कांच बाहर आएगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा एक हेडलाइट असेंबली हो चुका है, फिर से इसी प्रकार से हम दूसरा भी हेडलाइट असेंबली करेंगे। आपको फिर से दिखा देते हैं, पकड़िए, ये देख सकते हैं। ये हमारा हेडलाइट है जिसका हमने कांच रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रकार से हम दूसरा भी हेडलाइट, इस हेडलाइट का जो कांच है वो रिप्लेस करेंगे। अगर आप तो फ्रेंड, ये हमारा दूसरे साइड का हेडलाइट का देख रहे हैं, सिलेंडर हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्लेड से थोड़ा बराबर कर लेंगे। आपको थोड़ा खाली छोड़ना पड़ेगा ये जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो कांच है आपका वहाँ पीछे से स्क्रू लगता है, तो थोड़ा खाली छोड़ेंगे तो आपका स्क्रू लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिएगा। देख सकते हैं ये हमारा पहला लॉक बैठ चुका है, ये हम दूसरा लॉक बिठाएंगे। ये दूसरा लॉक हमारा बैठ गया, ये इसको थोड़ा दबा कर लॉक बिठाएगा फ्रेंड, नहीं तो आपके टूट जाएगा लॉक। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा साइड का भी कांच कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा हम इसको साफ़ कर देंगे हमारा हाथ वाथ लगा करके। ये हमारा दूसरे साइड का भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो एक स्क्रू था हमने आपको बताया था अंदर से, यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, हमने इसमें सीलेंट आपको बोला था यहाँ कम लगाइएगा, देखिए हमने कितना कम लगा, फिर भी इसमें सीलेंट आ गया। सबसे पहले हम सीलेंट को साफ़ करेंगे, आप भी सीलेंट को साफ़ कर लीजिएगा तो ये आपका स्क्रू बैठेगा। तो फ्रेंड ये हमारा स्क्रू भी टाइट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कांच पूरी तरह से देख सकते हैं रिप्लेस हो चुका है, हमने इसको बदल दिया है, नया कांच भी फिट कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा एक हेडलाइट है, ये हमारा दूसरा हेडलाइट है, तो दोनों का कांच हमने रिप्लेस किया है, देख सकते हैं। तो पकड़ करके इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हेडलाइट का कांच हमारा रिप्लेस हो चुका है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था उसी तरह से तरीके से आप लोग भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं।
रिप्लेस करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हेडरेक किस गाड़ी का है फ्रेंड, हमने आपको बताया था मर्सिडीज ML 350 4Matic का है, जिसका हमने हेडरेक का दोनों कांच रिप्लेस किया है। ये राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है, तो इसको हम गाड़ी में आपको फिट करके फिर इसका हेडलाइट का जो रोशनी आता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा मर्सिडीज ML 350 है, जिसका हम हेडलाइट का कांच रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमने अभी इसको कांच रिप्लेस कर दिया है, तो इसको फ्रेंड क्या करेंगे, रात भर अभी छोड़ देंगे सूखने के लिए, जो हमने सीलेंट लगाया है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको इस गाड़ी को फिट करके और उसके बाद इसका हेड लाइट चालू करके हम आपको दिखाएंगे पूरा फाइनल होने के बाद, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम इसको रख देते हैं, सुबह हम आपको इसके आगे का वीडियो बताएंगे। तो देख सकते हैं हमारे राइट साइड का है और मेरा जो लिए है वो लेफ्ट साइड का है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं, हमें मर्सिडीज़ 350 ML का है हेडलाइट फिटिंग करने जा रहे हैं, जिसका हमने रात में कांच डाला था हेडलाइट का। तो अभी हमें ये फिटिंग करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इसका हेडलाइट फिटिंग करके फिर आपको हेडलाइट चालू करके फिर आपको दिखाएंगे इसकी रोशनी कि हमारा कांच डालने से कितना फ़ायदा हो रहा है। तो हमारे अंसारी जी इसका हेडलाइट फिटिंग करने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये हमने इसका रात में कांच रिप्लेस किया था और रात भर इसको सूखने के लिए छोड़ा था, तो ये हमारा पूरी तरह से प्रॉपर सूख चुका है। तो अब हम इसको फिटिंग करना चालू करेंगे, ठीक है फिटिंग कीजिए फ्रेंड। इसको ओपन और फिटिंग करने के लिए आपको बम्पर इसका ओपन करना पड़ेगा, देख सकते हैं हमने इसका बम्पर ओपन किया है। तो इसके जितने भी सॉकेट थे देख सकते हैं हमने लगा लिए हैं, अब हम इसे फिट करना चालू करेंगे। हमारा राइट साइड का हेडलाइट कंप्लीट हो चुका है, अब इसी तरह से हम लेफ्ट साइड का भी हेडलाइट लगाएंगे। फ्रेंड ये हमारा हेडलाइट हमने सिर्फ ऑलरेडी फंसा के रखा है, क्योंकि हम सबसे पहले अब इसका लाइट चेक करते हैं जला के सब लाइट चालू है कि नहीं। ऐसा ही जरा हेडलाइट सर्विस है।
देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसका हेलमेट चालू किया है। हाँ चालू करिए, अपर डिपर मारिए, हाँ मारिए, इंडिकेटर चालू कीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड, अपर डिपर मारिए। हमारी सारी लाइटें चालू है, दोनों बाजू की अपर डिपर है, जैसे हमारा हेडलाइट है, डिपर का है, ये पार्किंग है, इंडिकेटर है, दोनों बाजू का हमारा चालू है। हमारा हेडलाइट भी ओके है, हम इसका बम्पर और हेडलाइट फीचर फिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसका हेडलाइट और ये बम्पर फाइनल करके फिर आपको एक बार दिखाते हैं। ठीक है, आइए बम्पर लगा दीजिए, चालू कीजिए, हेडलाइट अपर डिपर ओके, बंद कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने इसका बम्पर भी लगा दिया है। अब इसका साइड का जो लॉक आता है वो दोनों साइड का वो हम फिटिंग करना चालू कर रहे हैं। देख सकते हैं दोनों साइड का लॉक हमारा फिटिंग करना चालू है। ऊपर से हमने प्रॉपर ही ये दोनों बोल्ट लगा दिया है बम्पर का, देख सकते हैं इधर दो क्लिप दे दिया है, इधर एक बोल्ट है, दो बोल्ट और दो क्लिप है ऊपर, ऊपर का फिटिंग हो गया है, खाली साइड का फिटिंग करना बाकी है। ठीक है, तो साइड का दोनों पट्टी लगाएंगे और गोला का क्लिप लगाएंगे। ये देख सकते हैं इसके लिए हमने गोला भी ओपन किया है, बम्पर में जितना लगता है। तो दोनों से दोनों साइड का पट्टी लगाएंगे और गोला लगा के फिर तो इसका फाइनल एक बार टेस्ट कर लेंगे। ये हमारा दोनों साइड का हेडलाइट का कांच रिप्लेस का वीडियो था। ठीक है, तो एक बार और हम बम्पर को पूरा फाइनल टाइट करके फिर एक से एक बार आपको हेडलाइट चालू करके दिखाते हैं। हो गया अंसारी जी, नीचे का पूरा लग गया? ठीक है, तो ये फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा हेडलाइट और बम्पर पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पूरा फिट हो चुका है। ठीक है, तो इसका अंसारी जी बोनट बंद कीजिए, हम थोड़ा बोनट बंद करके भी इसका सेफ देखेंगे। पूरी तरीके से बंद कीजिए, बंद नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा हेडलाइट का, ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुका है। एक बार और गाड़ी चालू कीजिए, चालू कीजिए हेडलाइट, इंडिकेटर डालिए, अपर डिपर मारिए, ये देख सकते हैं। अब देखिए कितना लाइटली दिख रहा है, पहले फ्रेंड कुछ भी दिखता नहीं था सामने कस्टमर को। तो बहुत दिन से कस्टमर जी ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ किसी भी तरह करके हमें एक ज़रा हेडलाइट का कांच कहीं से अरेंज करके डाल दीजिए, क्योंकि इनका गाड़ी का हमने सस्पेंशन का काम किया था तो पूरी तरह से इनका काम और ओके हो चुका है। तो ये हमारे काम से खुश हो चुके थे, इसलिए इन्होंने बोला इतना तो हमारा आपने कर दिया है, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है उसे भी पूरा कर दीजिए। तो इसके लिए हमने इसका कांच अरेंज करके और इसका हेडलाइट का कांच रिप्लेस किया है ताकि हमारे कस्टमर नाराज ना हो। ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारा जूना कांच है दोनों, जो हमने इसमें रिप्लेस किया है। देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम ये स्क्रेच होकर पूरा डल हो गया था, थोड़ा भी सामने वाले को दिखता नहीं था। देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हेडलाइट रिप्लेस का, हेडलाइट के कांच का रिप्लेस करने का वीडियो था जो हमने आपके सामने पेश किया था।
ये हमारा दोनों हेडलाइट भी पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुका है और आप लाइटिंग भी देख सकते हैं, इसका जो फीचर्स वो भी देख सकते हैं। हमने दोनों ये हेडलाइट का काच रिप्लेस किया है। अगर आपको भी रिप्लेस करना रहेगा तो हमने वीडियो में पूरी तरह से डिटेल दिया है काच रिप्लेस करने में किस तरह करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप हमारा वीडियो देख के आप खुद भी इस काच को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा हेडलाइट काच का रिप्लेस करने का वीडियो था। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए ताकि हम आगे चलकर आपके सामने इससे भी अच्छा वीडियो पेश कर सकें। ठीक है, इतने के लिए बहुत।